तो अंतर्जातीय ख्याति संपन्न विशिष्ट कवि पद्मश्री जयंत महापात्र परलोक चिकित्साधीन अवस्था कटक एससीबी मेडिकल गत काली राति 9टारे तांकर देहांत होईछि। कवि जयंत महापात्र स्नायु रोग से पीड़ित होते किछि दिन हेला एससीबी आईसीयू रे रखा जाय तांकर चिकित्सा करा जाउथला। हेले गत काली राति रे स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ीबारु तांको वेंटिलेटर को स्थानांतर करा जायथला। अगस्त 4 तारीख रे जयंत महापात्र असुस्थ होई पड़िबारु कटक बड़ मेडिकल कोणा जायथला। चिकित्सा परे तांकर स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसुथिबा बेले हठात स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जाइथिला। 95 वर्ष बयस परलोक होइछि। उभय ओडिया इंग्राजी रे कविता संकलन सह गप बही आत्मजीवनी पाहिनी राति ओडिया साहित्य को रुद्धिमंत करिछि। तबे साहित्य साधना पई तांको पद्मश्री सम्मान केन्द्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार उत्कल रत्न सम्मान सारडा सम्मान शिव पुरस्कार से सम्मानित करा जाइछि। ते विलंबित राति रे तांको मर शरीर को कटक तिनिकोणिया बगीचा स्थित बासभवन को निया जाइछि। राजी राष्ट्रीय मर्यादा सह तांकर शेषकृत्य संपन्न करा जइबो बोली मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोषणा करिछन्ति। जणे युव सुलभ चिर सबुज सकारात्मक व्यक्ति भाव परिचित जयंत महापात्र 1928 मसीहार अक्टोबर 22 तारीख कटकरे तांकर जन्म होता। 2006 उत्कल विश्वविद्यालय और 2009 से रेवेन्सा विश्वविद्यालय सम्मानजनक डॉक्टरेट डिग्री पाई। वृत्ति से पदार्थ विज्ञान अध्यापक थे किंतु प्रवृत्ति थिला सारस्वत्व साधना। रेवेन्सा कॉलेज फकीरमोहन बीजेबी कॉलेज से पाठ पढ़ाई इंग्राजी ओडिया सह क्षुद्र गल्प लिखि अनेक पुस्तकर अनुवाद संपादना करते। जयंत महापात्र जीवन यात्रा जणे युव सुलभ चिर सबुज सकारात्मक व्यक्ति भाव परिचित। तबे आज तांकर राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत्य संपन्न करा जिबो। जणे युव सुलभ चिर सबुज सकारात्मक व्यक्ति भाव परिचित थिले जयंत महापात्र। तो जयंत महापात्र जीवन यात्रा कथा जदि आम आलोचना करिबा ताहा खूब लंबा रही जेउठी से निजर एक स्थान बनाइथिले जहाँ कह जाए जे युव सुलभ चिर सबुज सकारात्मक व्यक्ति भाव से बेस परिचित। 1928 अक्टोबर 22 तारीख में कटक्रे जन्म होता। 2006 उत्कल और 2009 रेवेन्सा विश्वविद्यालय सम्मानजनक डॉक्टरेट डिग्री से पाई। वृत्ति पदार्थ विज्ञान अध्यापक प्रवृत्ति सारस्वत्व साधना। इंग्राजी ओडिया सह क्षुद्र गल्प लिखि अनेक पुस्तकर अनुवाद संपादना से करते। इंग्राजी में 20 अधिक एवं ओडिया 7 अधिक कविता संकलन लिखिंट जयंत महापात्र। तेज इंडियन समर हंगर रिलेशनशिप क्लोज द स्काय भाई परिचित इंग्राजी कविता लिखिं। रिलेशनशिप 1981 से केन्द्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2009 पद्मश्री सम्मान मिलिथिला। आम प्रतिनिधि शक्ति रंजन बेहरा जोड़ी शक्ति गत काली विलंब राति रे जेतेबेले विशिष्ट कवि जयंत महापात्र परलोक होता जहा परे अनेक माहौल रे मध्य दुखर छाय खेली जाइछि। तबे आज तांकर शेषकृत्य केतेबेले कराजिबो ଲିପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। କଟକ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଶରୀର ନିମୋନିଆ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କର
शेषकृत्य सम्पन्न कराखापाखि दिन 12:30 समय कटक खानगर श्मशान में शेषकृत्य सम्पन्न वर्तमान से मर शरीर को घरे रखा जा कटक जो बासभवन रही बासभवन बर्तमान मर शरीर रखाई और विशिष्ट व्यक्ति मैंने आसिक मर शरीर को बर्तमान समय दर्शन कर श्रेष्ठ श्रद्धाजलि शेष श्रद्धाजलि बर्तमान समय जना कि समय पर 8:30-9 समय भितर बासभवन रु मर शरीर को बाहर कर कटक विभिन्न स्थान में परिक्रमा कर शेष कटक खानगर श्मशान को निटी शेषकृत्य संपन्न होकर पुह कहूँ झील कहतु समस्ते बर्तमान समय पाखे अच्छा आत्मस्वजन गत काली एस सी मेडिकल पाखे उपस्थित थे पुओ आउ जो आसुँच आसवापर पखापाखि दिन 9 समय मर शरीर को खानगर श्मशान को निटी शेषकृत्य संपन्न हो विशेषकर कवि डॉक्टर जयंत महापात्र जे कि केन्द्र सरकार तरफ पद्मश्री उपाधि सम्मानित होती जहां लेखा अनेक समय रे अनेक साहित्यिक मान कहतु अनेक बुद्धिजीवी मान कहतु समस्त को प्रभावित करुला विशेषकर जो वरिष्ठ लेखा हृदयस्पर्शी लेखा अनेक कालजयी कविता कहतु क्षुद्र गल्प कहतु बहुत किसी से रचना कर साहित्यिक जगत रुदिन चिरस्मरणीय कर रखक इंग्लीश कविता से लिखिं पखापाखि 20 अधिक इंग्राजी कविता लिखिं अनेक क्षुद्र गल्प बहु किसी ओडिया रे अनुवाद कर किसी कविता कहतु क्षुद्र गल्प प्रबंध को अनुवाद कर सबुदिन चिरस्मरणीय रखे और साहित्य जगत में गोटे अपूरणीय क्षति होगी वर्तमान समय कहीपर एवं गत काली एस सी मेडिकल कटक जिलापाल भवानी शंकर चैनी कटक मेयर सुभाष सिंह शेष दर्शन करेक विशिष्ट व्यक्ति बसभवन को आसते शेष श्रद्धाजलि जलाइबे और राज्य सरकार को पक्षर घोषणा कर संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा सहित शेषकृत्य संपन्न करा सब बड़ कथा हूँ शेष इच्छा थी दाह कर शेष इच्छा यहाँ गोटे पर पक्ष जहाँ सूचना मिली और शेष इच्छा अनुसार ही संपूर्ण शेषकृत्य संपन्न हो विशेषकर केवल कटक नुह सारा ओडिशा और भारत से सुनाम अर्जन कर सबुदिन चिरस्मरणीय हो रही समस्त मनरे एवं केवल कटक नुह सारा ओडिशा गोटे अपूरणीय क्षति बोली कहुपर एवं विशेषकर लेखा बलिष्ठ लेखा हृदयस्पर्शी जो कालजी कविता से रचना कर केवल साहित्यिक जगत नुह साधारण जनमानस सबुदिन चिरस्मरणीय रेदी संपूर्ण जीवन कहानी को आम आलोचना करवा 1928 मसीहा अक्टोबर 22 तारीख में कटक जन्मग्रहण करते से कटक कहतु गंगाधर मेहर कॉलेज कहतु संबलपुर कहतु ये सब कॉलेज से अध्यापना कर पदार्थ विज्ञान से अध्यापना करुते बीजेपी कॉलेज से अध्यापना कर अध्यापना करने सहित साहित्य रचना करने गोटे बहुत बड़ रुचि था जहाँ को नहीं से आज समग्र ओडिशा कहतु समग्र भारत महोत्सव निजर सुनाम अर्जन कर तेरे बड़ कथा हूँ गत काली परलोक समग्र साहित्य जगत रे गोटे शून्य स्थान सृष्टि कर देखिए जुगर अवसान घटी आम कहीपर तेरे आज शेषकृत्य कर कटक जिला प्रशासन पक्षर समस्त प्रकार व्यवस्था ग्रहण कर मर शरीर को निया कटक विभिन्न स्थान को निठी खानगर श्मशान रे ही शेषकृत्य संपन्न करा 12:30 मध्य राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत्य हेबो ते बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति आपणकर अधिक सूचना पाई।